मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने को लेकर इसे मोदी का राजनीतिक फायदा पहुंचाने वाली मंशा बताया है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने मोदी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया, लेकिन प्रधानमंत्री यह भूल गए कि धरने पर बैठे किसानों की मांगे पूरी तरह से नहीं मानी गई हैं। वहीं इस कानून के विरोध के चलते 600 लोगों की जान जा चुकी है। सज्जन वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी को इस कानून को वापस लेने के साथ ही किसान हित का कानून बनाना चाहिए, जिसमें धरने पर बैठे किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता वर्मा ने इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी जमकर आड़े हाथ लिया। वर्मा के अनुसार कृषि मंत्री किसानों के लिए सही फैसले नहीं ले पाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय में विद्वानों को बैठाना चाहिए जिन्हें कृषि संबंधित जानकारी हो। असल में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा लाभ शुभ देख के निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने सोचा कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये काले कानून 3 कृषि के वापस ले ले, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब आप भूल रहे हैं इस कृषि आंदोलन में 600 लोग शहीद हुए हैं दिल्ली की बॉर्डर पे। ये अंतर वेदना इस देश के लाखों लाख किसान भूले नहीं हैं। आपने 1 साल 1.25 साल बाद ये कृषि कानून वापस लिए हैं तो इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि तमाम परिवार विखंडित हुए, जिस किसान को खेत में होना था दिल्ली की बॉर्डर पे सड़कों पे बैठा रहा 1.25 साल तब आपकी नींद खुली, तो ये कृषि कानून वापस लेने के साथ साथ 3 लाइन का कानून वापस से बना के देना था। 1 लाइन में आ जाता कि हम MSP हर फसल की MSP लागू करेंगे और MSP से नीचे यदि कोई व्यापारी खरीदेगा उसको 10 साल की सजा होगी, इस तरह की सरल भाषा में बना के देना था। पर उन्होंने अभी सिर्फ कि हमने वापस ले लिया है, लेकिन इस देश का किसान समझदार है, वो अभी उठेगा नहीं जब तक लोकसभा में आप ये कानून वापस उसके कहे अनुसार पास नहीं कर दोगे। कांग्रेस का क्या मत है साहब इसमें? कांग्रेस का मत, कांग्रेस तो देखिए जिस दिन से आंदोलन चालू हुआ कांग्रेस के साथ इस देश का संपूर्ण विपक्ष किसानों के पीछे पूरे टाइम खड़ा रहा, मॉरल सपोर्ट देता रहा और हर तरह से मदद हम लोगों ने की। तो मैं बोल रहा हूँ वही कांग्रेस का मत है कि 3 लाइन का सरल कानून बना के किसानों, और मेरा ये कहना है कि तुम्हारा जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर इस देश का, उसको ABCD तो आती नहीं किसानी की। आपको यदि सही कानून बनाना है ये वाले तो इस देश के उन विद्वान किसानों को जरूर बैठाओ जो आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी, वो जैसा बताएं वैसा कानून बना के परोस दो, तब मैं समझता हूँ कि देश और किसान का भला होगा। टिकट को समर्थन कर रहे हैं हम लोग, किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हुई टिकट किसान आंदोलन इस देश का अनुरे टाइम खड़ा रहा, मॉरल सपोर्ट देता रहा और हर तरह से मदद हम लोगों ने की। तो मैं बोल रहा हूँ वही कांग्रेस का मत है कि 3 लाइन का सरल कानून बना के किसानों, और मेरा ये कहना है कि तुम्हारा जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर इस देश का, उसको ABCD तो आती नहीं किसानी की। आपको यदि सही कानून बनाना है ये वाले तो इस देश के उन विद्वान किसानों को जरूर बैठाओ जो आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी, वो जैसा बताएं वैसा कानून बना के परोस दो, तब मैं समझता हूँ कि देश और किसान का भला होगा। टिकट को समर्थन कर रहे हैं हम लोग, किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हुई टिकट किसान आंदोलन इस देश का अन्नदाता किसान। नरेंद्र मोदी साहब भाषण में तो अन्नदाता बोलते हैं लेकिन 600 किसानों की जान ले चुके हैं, तब उनकी नींद खुली, तब कानून वापस लिया। अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी सज्जन वर्मा ने जमकर जुबानी प्रहार किया। सज्जन वर्मा बोले
कि कंगना अब कंगना नहीं कंगना देवी बन गई है। वह बोले कि कंगना रणावत को इतिहास और भूगोल की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। उन्होंने देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीर योद्धाओं का अपमान किया है और कई मुद्दों पर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने भाजपा को जमकर घेरने की कोशिश की। अब मैं अभी थोड़ा सा अभी यहाँ हमारा कार्यक्रम है अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बांग्लादेश के 50 साल कंगना देवी पे भी है। आजकल वो कंगना देवी हो गई हैं तो उन पे भी कुछ बोलेंगे। अब यहाँ बोलूँ तो चलो अब दो लाइन तो बोल ही देता हूँ। एक ऐसी महिला जिसको इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं, वो महिला देश के इतिहास पे उंगली उठा रही है, देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अस्मिता को चुनौती दे रही है, उनके बलिदान को चुनौती दे रही है, उन 600 किसानों का बलिदान हुआ आंदोलन में उनको चुनौती दे रही है। ऐसी महिला के लिए तो मैं समझता हूँ कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। चाटुकारिता की हद कर दी इस महिला ने। इन्होंने कहा कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं, हमें भीख में मिली वो आज़ादी, असली आज़ादी 1914 में मिली है। तो नरेंद्र मोदी के पैर चाट ले भाई, यदि वो तुम्हारा भगवान है, उसी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज़ादी मिली तो पैर चाट लो। क्यों महात्मा गांधी जैसे लाखों लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी आत्मा उनके परिवार की आत्मा क्यों दुखाई? अब देखिए भाजपा नरेंद्र मोदी ही अपने शब्दों को इस महिला के मुंह में डाल के बुलवा रहे हैं, सीधे सीधे परिलक्षित हो रहा। 2014 में असली आजादी मिली, अब इसमें क्या सर, एक सवाल और स्टैंड अप कॉमेडियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद कांग्रेस ने इस मौके को नहीं छोड़ा है, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता और अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सज्जन सिंह वर्मा ने आज बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सज्जन वर्मा आज बोले कि प्रधानमंत्री मोदी को इससे राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। मोदी ने 5 राज्यों के आगामी चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया है, लेकिन किसान अभी नहीं उठेंगे और कृषि कानून वापस लेने से कुछ नहीं होगा, किसानों के लिए एक सुलभ कानून बनाना होगा। सज्जन सिंह वर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कंगना रणावत को लेकर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि कंगना रणावत अब कंगना देवी बन गई है। मेरे ख्याल से उन्हें भूगोल और इतिहास की जानकारी ले लेनी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और बेबाक नेता कांग्रेस में कहे जाते हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।